हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है अजीब दास्तांस, जो कि हिंदी एंथोलॉजी फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर कल से, यानी 16 अप्रैल 2021 से। मेरी एक फेवरेट अर्जेंटाइन एंथोलॉजी फिल्म है वाइल्ड टेल्स, जो कि 2014 में बनी थी और ये उस साल के ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेटेड थी। और इसमें 6 कहानियों का कंपाइलेशन था जिसकी बेसिक थीम थी रिवेंज, और इन सारी कहानियों का इम्पैक्ट काफ़ी गहरा था। इन सारी कहानियों को लिखा और डायरेक्ट किया था डेमियन ज़िफ्रॉन ने, और इस फिल्म को एंथोलॉजी फिल्म्स की कैटेगरी में सबसे लैंडमार्क फिल्म कहा जाता है। हमारे यहाँ भी 2007 में बनी थी 10 कहानियाँ, और उसके बाद हमने बनाई थी 2013 में बॉम्बे टॉकीज, जिसमें हमने सिनेमा के अपने 100 वर्षों के पूरे होने को सेलिब्रेट किया था। और फिर पिछले कुछ सालों से तो एंथोलॉजी फिल्मों की जैसे बाढ़ी आ गई है। पिछले साल एक बड़ी सिग्निफिकेंट हिंदी एंथोलॉजी फिल्म रिलीज हुई थी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, जिसका नाम था अनपॉज्ड। उसके अलावा फिर एक फिल्म थी तमिल में पुथुम पुधु कलाई, जो कि अमेजॉन प्राइम पर ही थी, और उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर थी पावा कथाईगल, जो कि दूसरी तमिल एंथोलॉजी फिल्म थी। और फिर इस साल आई है तेलुगु एंथोलॉजी फिल्म पित्ता कथालू नेटफ्लिक्स पर, और फिर है तमिल एंथोलॉजी फिल्म केयर ऑफ कथाल, जो कि 2018 की बनी तेलुगु एंथोलॉजी फिल्म कंचारा पालेम का रीमेक थी। ये सारी फिल्में इंटरेस्टिंग थी, बड़े राइटर्स और डायरेक्टर्स जुड़े हुए थे और सारी कहानियों और अप्रोच में एक नवीनता थी। इन्हीं प्रयासों की तर्ज पर 2018 में एक हिंदी एंथोलॉजी फिल्म आई थी लव स्टोरीज, जिसमें 4 डायरेक्टर्स थे, अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर। ये दूसरी एंथोलॉजी फिल्म थी करण जौहर ने प्रोड्यूस की हुई बॉम्बे टॉकीज के बाद, और इस फिल्म में सिर्फ जोया अख्तर की ही फिल्म थी जो स्टैंड आउट होती थी। और फिर इसी टीम ने 2020 में फिर एक एंथोलॉजी फिल्म बनाई थी घोस्ट स्टोरीज, जिसमें सिर्फ दिवाकर बनर्जी की डायरेक्ट की हुई फिल्म स्टैंड आउट होती थी। और फिर इसी प्रोड्यूसर ने, यानी कि करण जौहर ने, फिर से ये नई एंथोलॉजी फिल्म बनाई है अजीब दास्तान, जिसमें अब ये 4 डायरेक्टर्स नए हैं, और इन 4 कहानियों में फिर से सिर्फ एक ही कहानी खड़ी होती है, यानी कि एक ही डायरेक्टर सक्सेसफुल काम कर चुका है और वह है नीरज गायवान। यानी कि देखा जाए तो करण जौहर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सक्सेस का जो रेशो है वो सिर्फ 25% ही है। इसमें सबसे पहली कहानी है मजनू, जिसे डायरेक्ट किया शशांक खेतान ने, जिन्होंने इससे पहले धर्मा प्रोडक्शंस के लिए हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया और धड़क जैसी फिल्में बनाई हुई है। इसमें एक रईस जादा है जो अपनी ब्याहता पत्नी को नहीं चाहता क्योंकि वो बायसेक्सुअल है, और उसकी इस कमजोरी का फायदा उसका एक नया हैंडसम एम्प्लॉय ले लेता है। एक्टर्स बड़े हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ऊंचे दुकान और फीके पकवान वाला हाल है यहाँ। फिर दूसरी कहानी डायरेक्ट की है राज मेहता ने, जिन्होंने 2019 में अक्षय कुमार और करीना कपूर को लेकर सुपरहिट गुड न्यूज़ बनाई थी। इस कहानी में काम वाली है जो अपनी छोटी बच्ची और अपने पति के साथ झोपड़पट्टी में रहती है और अमीरों से घृणा करती है। ये काम वाली कुछ ज़्यादा ही ग्लैमरस है, और आर्ट डायरेक्टर ने उसकी झोपड़ी को दुनिया की सबसे साफ सुथरी झोपड़ी बनाया हुआ है। ये सीड्यूस करती है बिल्डिंग में रहने वाले अमीरों को, लेकिन फिर उनके एडवांसेस के बाद एकदम रिएक्ट करती है, और अब ये परिवार एक छोटे बच्चे के खून के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। बड़ी ही अपरिपक्व और सस्ती उपन्यास की सस्ती कहानी लगती है ये फिल्म। फिर एक कहानी है अनकहीं, जिसे बमन ईरानी के बेटे कयोज ईरानी ने डायरेक्ट किया है, जो कि उनका डायरेक्टरल डेब्यू है। इस कहानी में एक महिला है जो आंखें बड़ी करने को ही अभिनय समझ बैठी है। उसकी एक डेफ बेटी है जिसके ऊपर उसका पति ध्यान नहीं देता। अब इस बात से खफा होकर ये महिला एक डेफ एंड म्यूट पेंटर से शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती है। यानी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी बेटी पर ध्यान नहीं देता। इतनी बेतुकी कहानी बताने की कोई जरूरत कर सकता है, ये सोचकर भी कपकपी आ जाती है। इन तीनों एक्सेसिव बोरिंग और फ्लैशी कहानियों के अलावा एक चौथी कहानी है जो इस कोयले की खान में हीरे जैसी चमकदार है। वो है नीरज गायवान ने डायरेक्ट की हुई गिली पूछी। इसमें कहानी एक दलित टॉमबॉयश लड़की की है जो कि फैक्ट्री में आदमियों के साथ काम कर करके एग्जॉस्ट हो गई है, और अब वो चाहती है कि वो केबिन में बैठकर अकाउंट्स का काम करे, और उसके लिए अपने बॉस के पास भी जा चुकी है। बॉस ने उसे मना कर दिया और उस काम के लिए वो एक दूसरी ब्राह्मण लड़की को लेकर आया है।
दलित लड़की ने उस ब्राह्मण लड़की से दोस्ती की और उसके बाद किस तरह वो अपने मंसूबों में कामयाब हुई, उसकी है ये बड़ी ही ग्रिपिंग और ब्रिलियंट कहानी। तो इन चारों कहानियों में सिर्फ एक कहानी है जो आपको छूने में कामयाब होती है। इसके अलावा बाकी सारी तीनों कहानियाँ उस पत्थर की तरह हैं जिसे हम पानी में जब फेंक देते हैं तो वो सिर्फ ऊपर से ही गीला होता है, अंदर से नहीं। अगर हम इस एंथोलॉजी में खामियों की बात करें तो सबसे पहली खामी है इमैच्योर राइटिंग। कहानियों के किरदार बड़े ही विचित्र है। एक पत्नी है जो खुलेआम अपने पति से कहती है कि उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने हैं। उसके अलावा एक पति है जो कि दूसरे आदमी को चाहता है। उसके अलावा एक बाई है जो कि सिड्यूसर भी है और बेईमान भी। उसके अलावा एक आदमी है जो अपनी डिफ बेटी को एकाएकी प्यार करने लगता है। और उसके अलावा उसकी पत्नी है जो कि अपने पति से खफा होकर एक दूसरे आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा पहुँची है। यानी कि ये सारे ही कैरेक्टर्स जो है उनकी इच्छा और उनकी भावनाओं के पीछे का जो रीजन है वो बड़ा ही लचर है, बड़ा ही कमजोर है। यानी कि कोई भी कैरेक्टर्स रूटेड नहीं लगते हैं, ये सारे कार्डबोर्ड जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जस्ट कठपुतली टाइप्स के हैं। उनके पीछे जो भी वो चीजें कर रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस कारण या कोई ठोस निर्णय नहीं लगता। और दूसरी खामी है शेफाली छाया, मानो कॉल और नुसरत भरूचा का एक्टिंग डिपार्टमेंट में ओवरबोर्ड जाना। कैरिड अवे होकर बड़ा ही सुपरफिशियल और थिएट्रिकल होना कोई इनसे सीखे। ये दो खामियां इस फिल्म में, और अगर हम खूबियों की बातें करें तो सारी खूबियां एक ही कहानी ने पूरी कर दी है। गिली पूछी में तीन खूबियां मैं आपको गिना सकता हूं जो कि एक्चुअली तीन रीजंस है इस डम फिल्म को देखने के। सबसे पहला रीजन है नीरज गायवान। मसान के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके इस डायरेक्टर को इस मीडियम की समझ तारीफ़ काबिल है। अपने इस कहानी में दलित एंगल को बड़े ही मैच्योर तरीके से ट्रीट करते हुए दलित लड़की को विक्टिम न बनाकर फाइटर बनाकर उन्होंने एक नई आवाज़ का आगाज़ किया है। उनके कैरेक्टर्स आपके सामने मानो सांसें लेते हुए इतने सजीव है और उतनी ही जीवंत है उनके डायरेक्शन की ऊर्जा और उनका दृष्टिकोण। दूसरा रीज़न है आदिति राव हैदरी। इस तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम एक्ट्रेस ने एक इनसिक्योर एम्प्लॉय के किरदार में गजब का काम किया है। अपनी कमजोरी, अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर वाला एटीट्यूड, अपनी सादगी और अपनी जटिलता को बड़ी ही सहजता से जिया है उसने। उसके किरदार से अनायास ही आपको प्यार हो जाता है, इतनी सशक्त है वो। और फिर तीसरा रीज़न है कोंकणा सिंह शर्मा। दो नेशनल अवार्ड्स और चार फिल्मफेयर अवार्ड्स जीतने वाली ये एक्ट्रेस इस सेगमेंट में अपने टॉप फॉर्म में है। एक दलित टॉमबॉय लड़की जो अपनी सेक्सुअल चॉइसेस को लेकर कंफर्टेबल है, सोसाइटी के नॉर्म्स को जानती है, अकेलेपन की आदी है, लेकिन एम्बिशियस भी है और अपॉर्चुनिस्ट भी। ये सारे ही रंग इस एक्ट्रेस ने इस किरदार में भरकर उसे एक अलग लेवल दे दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी कैरेक्टर स्टडी नए एक्ट्रेस के लिए केस स्टडी है। तो ये तीन खूबियाँ, और अगर हम इन्हें कंपेयर करें खामियों से तो एक ही कहानी काफ़ी है इस एंथोलॉजी फिल्म में आपको प्रभावित करने के लिए। बाकी कहानियाँ भी काश इतनी ही सार्थक होती, लेकिन फिर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से हम 100% एंटरटेनमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खैर, गो फॉर इट।